जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा सुप्रभात। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदय मोड़ पर, और 3 दिन के अंतराल के बाद में आखिर टीकाकरण का जो काम है वो एक बार फिर से शहर में शुरू हुआ है। और जैसा कल मैंने आपको अपनी लाइव में बताया था रात को कि पर्याप्त मात्रा में डोज नहीं आ पा रही हैं, और गंगापुर को कल 2500 डोज प्राप्त हुई हैं, और उन्हीं को लेकर करके और टीकाकरण का काम शुरू हुआ है। आज आपको बता दूं कि PMO जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर, उदय मोड़ पर, मित्तल स्कूल ईदगाह मोड़ पर और काजी कॉलोनी, इन जगहों पर भी टीकाकरण किया जा रहा है। कोविशील्ड जो है वो लग रही है इस वक्त यहाँ पर, और 18+ और 45+ फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों यहाँ पर लगाई जा रही है। मैं आपको जो सूचना है वो दिखा देता हूँ कि आज यहाँ पर कोविशील्ड की 18+ और 45+ की फर्स्ट और सेकेंड डोज जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उदय मोड़ पर। तो आप देख सकते हैं 3 दिन के अंतराल के बाद में हुआ ये है कि अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पर, और लोग बढ़ चढ़ कर के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब समस्या ये है कि अगर जल्द से जल्द और पर्याप्त मात्रा में अगर डोज उपलब्ध होती रहें तो फिर ये काम अनवरत रूप से चलता रहेगा, वरना बीच बीच में जिस तरह से व्यवधान आता है, अब 3 दिन के बाद आज डोज आई है, युवाओं में अच्छा खासा उत्साह है और वो करवा रहे हैं अपना टीकाकरण। और जो है स्टाफ है उनसे मैं आपकी जानकारी दिलवा देता हूँ कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से यहाँ टीकाकरण जो है वो चल रहा है। मेरे साथ है नरेश जी, आ जाओ। नरेश सर, आज का क्या शेड्यूल है और 3 दिन के बाद में टीकाकरण शुरू हुआ है? आज सर UPSC उदय मोड़ पर कोविशील्ड की वैक्सीन लग रही है, और अपना डोज 2500 का है, और 18+ और 45+ दोनों में ही फर्स्ट और सेकंड डोज। अच्छा, 3 दिन के अंतराल के बाद में ये शुरू हुआ है तो अच्छी खासी भीड़ भी है लोगों की? भीड़ बहुत जबरदस्त है सर, आप देख रहे हो वहाँ जाकर अच्छी भीड़ है, लोगों में उत्साह है वैक्सीन के। चलिए, तो कोविशील्ड की कोविशील्ड ही लग रही है सर, और कोवैक्सीन अपने पास उपलब्ध है। ठीक है, तो कोविशील्ड की डोज प्राप्त हुई है 250 यहाँ, और उम्मीद ये करते हैं कि अगर इसी तरह आती रहीं तो फिर ये काम हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, और आगे की फिर और लाइव में आपको दिखाऊंगा।